जो टिक्स हैं बेसिकली वो कॉलोनीज बनाते हैं, कॉलोनीज डेवलप करते हैं, जहाँ पे एक टिक होगा वो ऐसा नहीं कि बाहर से आ रहा है, डस्ट है, डस्ट के साथ में वो हैच खुद हो जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम अपने डॉग को बाहर नहीं लेके जाते, लेकिन टिक्स कैसे हो गए? तो टिक्स होने का जो रीज़न है वो डस्ट है, डस्ट में सेल है, और अगर हम अपने डॉग को बड़े अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे, वी आर रियली नॉट कंसर्न्ड। होना, प्यार करना एक बात है, लेकिन हमें उसे फिजिकली फिट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी पे एक मक्खी बैठती है ना, बिल्कुल देसी भाषा में बात करता हूँ मैं, हमारी बॉडी पे एक मक्खी बैठती है ना, तो हमसे वो बियर नहीं की जाती, हम बार बार उसे उठाते हैं। घर में किसी को बोलते हैं यार अखबार का अखबार दो यार, या फ्लाई किलर दो यार, इसको मारो, रीज़न वो हमें इरिटेट करती है। इस बच्चे की बॉडी पे सैकड़ों जख्म हो रखे हैं टिक्स की वजह से, क्या बोलेगा, किसको बोलेगा? और अगर ये बोलना चाहेगा तो किसको समझ में आएगा कि मम्मा मुझे ऐसा हो रहा है, पापा मुझे ऐसा हो रहा है? सो वी आर मम्मा, वी आर पापा, वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। अगर मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है तो मुझे देखना।